अस्सलाम वालेकुम, देसी होम कुकिंग से मरियम शहजाद का सलाम हो। आज हम मज़ेदार सा कीमा बनाएंगे ग्रीन पेस्ट के साथ, तो चलें तैयारी करते हैं। यहाँ पर बीफ कीमा है हमारे पास, तकरीबन 700 के बराबर हमने कीमा लिया। ग्रीन पेस्ट हमने तैयार की जो कि हमने हरी मिर्चों की तैयार की थी, इसको हमने थोड़ा सा पानी डाला और इसको हमने ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया। टमाटर हमें चाहिए होंगे 1 से 2 जो है आप ले सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया जिसको हमने चॉप कर लिया, गार्लिक लिया 1 टेबल स्पून के बराबर। साथ ही यहाँ पर शिमला मिर्च जो है ये हमें चाहिए होगी, कोई सा भी कलर आप ले सकते हैं, एक छोटे साइज़ के हमारे पास है। दही हमें 4 से 5 टेबल स्पून चाहिए होंगे। ऑयल चाहिए होगा, यहाँ पर काली मिर्च हम लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो हम डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक जो है आप डालिएगा। यहाँ पर हमने सूखा धनिया लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, साबुत ज़ीरा लिया हमने 1 टीस्पून, हमने यहाँ पर जायफल और जावित्री ली 1 छोटा चम्मच जो था वो हमने दोनों को मिला के लिया। साथ ही नमक लिया टू टेस्ट, हम इसमें डालेंगे नमक को। और साथ हमने फ्राई प्याज जो थी ये भी हमने इसमें डालनी है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो हम डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो काम हमने करना है, हमने ऑयल को कढ़ाई में डाल दिया, इसको गर्म किया। अब हम इसमें प्याज़ों को डाल देंगे जो कि हमने चॉप करके रखे थे। अब यहाँ पर जैसे ही थोड़े से प्याज जो थे ये फ्राई हो गए, यहाँ पर हमने गार्लिक जो था ये हमने डाल दे रहा है, और साथ ही हमने जो ज़ीरा दिया था ये हम इसमें डाल देंगे और इसको फिर से भूनेंगे। अब टमाटर डाल दिया हमने, अब टमाटरों को भी हम अच्छे तरीके से भून लेंगे जब तक कि टमाटर जो है बिल्कुल मेल्ट नहीं हो जाते, तो मसाला जो है तैयार नहीं हो जाता। साथ ही हम यहाँ पर पाउडर मसाले भी डाल देंगे। अब यहाँ पर मसाले डाल देंगे, काली मिर्च भी डाल देंगे इसमें साथ ही। अब यहाँ पर काली मिर्च भी डाल देंगे, तो ये देखिए हल्का सा हमने इसमें पानी डाला ताकि इसके जो है मसाले जो है गले नहीं। बिल्कुल थोड़ा सा हमने डाला, 2-3 टेबल स्पून जैसे वो पानी डाले हमने। देखिए मसाला तैयार है। अब यहाँ पर कीमा डाल के अच्छे तरीके से मसाले में भून लेंगे। अब यहाँ पर हमने आग को तेज कर देना है, और साथ ही हमने चम्मच जो है वो हिलाते रहना ताकि गुठलियाँ ना बन जाए अच्छे तरीके से। आज को यहाँ पर देखो हमने फुल पे रखा है। अब यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से कीमे को फ्राई कर लिया, ये देखें थोड़ा सा अभी इसमें पानी है, इसको अभी हम पकने देंगे। साथ ही अब बारी आती है ग्रीन पेस्ट की, ये अब अपने अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो आपने डालने हैं। यहाँ पर हम थोड़ा तेज़ इसको बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो डाल सकते हैं, ज़्यादा भी आप कर लें। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, तो बहुत ही मज़ेदार सा ये कीमा जो है ये तैयार होता है। ये डालने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए इसको हम दम पे देंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ पर आप इसको चख लीजिए, कोई चीज़ आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें दही डाल देते हहैं। अब यहाँ पर 3 से 4 टेबलस्पून जो थे हमने दही के डाल दिए। अब ये देखें जैसे ही हम इसमें दही डाला इसमें पानी छोड़ दिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, इसको कवर करके रख देंगे। अब इसको कवर कर दिया और तब तक पकाएंगे जब तक कि कीमा हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता और पक नहीं जाता। अब यहाँ पर कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है ग्रीन पेस्ट के साथ। यहाँ पर हमने ये देखें थोड़े से प्याज जो हमने फ्राई किए हुए आपको बताए थे, अगर आप चाहें तो ये डाल दीजिए। साथ ही हमने मिर्च भी डाल दी और धनिया भी हम इसमें डाल देंगे। अब देखिए ज़बरदस्त सी जो डिश है हमारी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़ेदार सा कीमा हमने तैयार किया। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिए, और हाँ जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को हिट कीजिए, और हमारा फेसबुक का पेज है इसको लाइक कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, मुलाकात होगी बहुत ही अच्छी और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।